बाढ़ थाना क्षेत्र के भटगांव पंचायत अंतर्गत शेखोपुर गांव के पास बुधवार की सुबह लगभग 30 वर्षीय राजकिशोर कुमार उर्फ डोमन की लाश को पुलिस ने गांव से दूर खेत से बरामद की है। स्थानीय ग्रामीणों ने देखा कि एक युवक मृत पड़ा हुआ है और उसके शरीर पर जख्म के निशान पड़े हुए हैं। इसकी सूचना जब पुलिस प्रशासन को दी गई तो आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मंगलवार की रात्रि राजकिशोर को किसी ने फोन किया और वह घर से जैसे ही बाहर निकला उसके बाद वह लापता हो गया। बाद में खेत में उसकी लाश सुबह बरामद हुई। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया और उसकी हत्या कर दी। राजकिशोर का मोबाइल भी गायब है। पुलिस मोबाइल के डिटेल्स के आधार पर अपराधी का पता लगाने के फिराक में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ गांव में हत्या को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों के द्वारा बताया गया कि राजकिशोर ही परिवार का इकलौता सदस्य था जो कि परिवार का लालन पालन कर रहा था। राजकिशोर के 4 बच्चे भी हैं और उसकी मौत हो जाने के बाद उसका घर चलाने वाला अब कोई नहीं है। प्रस्तुति में परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि पुलिस अभी मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर रही है। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट। राजकिशोर और डोमन कैसे क्या हुआ? डोमन यहाँ पर हम सवेरे आए हैं तो यहाँ पर कलते हुए थे करीब 5 बजे। जी यहाँ पर कैसे आ गए? फोन करके कोई आदमी बुलाए, मोबाइल भी गायब, मोबाइल भी गायब, पैंट खुला था, आगे दांत चूरा हुआ है, आंख से भी ब्लेड निकला हुआ है, इधर ही पंजरी उंजरी में कुल में मारा हुआ है। ये राजकिशोर इसका नाम है? उर्फ डोमन। राजकिशोर उर्फ डोमन। डोमन बाल बच्चा? उर्फ डोमन। क्या वो बाल बच्चा? 3 लड़का 1 लड़की। कितना उम्र होते हैं इनका? उम्र 28-30 का लगभग। तो आपको क्या आशंका लगता है? मतलब आशंका क्या लगता है कि हत्या है या कुछ ऐसा? नहीं, हत्या किया हुआ है। हत्या क्या आशंका लगता है? फोन करके बुलाया है आदमी, मोबाइल भी गायब कर दिया। मोबाइल भी गायब है, पूरा ब्लेड है, दांत टूटल है। लाशों का क्या मांग है आगे? परिजन का क्या मांग है? क्या मांग है? हत्यारा को पकड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? बीरू यादव। आप कौन लगते हैं? साला। जी साला।